हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपने जो हमने अभी तक पढ़ा है, उम्मीद है वो देख लिया होगा, नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसके बाद एक दो बंदे ने लिखा था कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दो, ठीक है? तो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। वैसे देखें तो सिक्वेंस के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने के लिए हमें प्रोनाउन की भी ज़रूरत पड़ती है, वर्ब भी कंप्लीट होना चाहिए, तो वो भी हमारा कंप्लीट है नहीं। बट आपने वो पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है? हम शुरुआत से बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब, देखो एक तो इसमें लिखा है वर्ब, इसका मतलब क्या कि वर्ब के तो एट्रीब्यूट इसमें होने ही होने हैं, ठीक है? तो जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इंग्लिश विद सत्या अपना चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है? जैसे मैंने लिखा दे लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, ठीक है? फिर मैंने दूसरा लिखा ही लाइक टू प्ले थर्ड मैंने लिखा ही ये तीन सेंटेंस हमने लिखे। इसी से हम समझ लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं और उन पे क्या क्या सब्जेक्ट के टेंस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है? देखो पहला सेंटेंस हमने लिखा दे लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज किया दे। इसके बाद हमने लाइक वर्ब लिखी, और ये जो टू प्ले है ना ये इन्फिनिटिव होता है, जो कि हम समझेंगे इन्फिनिटिव होता क्या है। बट यहाँ पे समझ लो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक तो वर्ब है हमारी ये, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ये है दूसरी इन्फिनिटिव जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फिर हमने देखा कि दूसरे सेंटेंस में हमने दे की जगह लिख दिया ही, जैसे ही हमने ही लिखा तो लाइक की जगह तो हमने लाइक्स लिख दिया, बट जो टू प्ले था ना वो वैसा का वैसा ही है। समझ आ रही है बात? जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो मेन वर्ब तो चेंज हो गई, सिंगुलर हो गई, बट जो टू प्ले था उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थर्ड सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, फिर भी हमारी वर्ब चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया था, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे टेंस को चेंज कर दिया। तो टेंस चेंज करते ही हमारी जो मेन वर्ब थी वो फिर से चेंज हो गई, बट जो टू प्ले है वो वही की वही है। तो यहाँ से क्या बातें निकल के आई, हाँ यहाँ से ये समझ आया कि सब्जेक्ट बदला मेन वर्ब बदली, टेंस बदला मेन वर्ब बदली, बट सब्जेक्ट बदला या टेंस बदला इसका इफेक्ट इस नॉन फाइनाइट वर्ब पे हुआ ही नहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब जैसे ही हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो इस पे इफेक्ट नहीं होता, बट मेन वर्ब पे इफेक्ट होता है। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और डिफरेंस ये भी होता है कि मेन वर्ब के लिए हम जनरली जब कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है तो मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, बट जनरली क्या होता है नॉन फाइनाइट के वर्ब के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ठीक है? अब इनमें देख लेते हैं, कुछ सिमिलरिटी भी होती हैं। ये ना इसमें नाउन का भी एट्रीब्यूट होता है और वर्ब का भी होता है और एडवर्ब का भी होता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमने वर्ब लिखी लाइक, लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे टू प्ले,
ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है और मैं आपसे पूछूं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, क्या होगा? कोई भी सेंटेंस में कोई अगर कोई वर्ड सब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी वर्ड जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन हो नहीं सकता क्योंकि प्रोनाउन तो डेफिनेट है कि जो भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, तो ये नाउन है। तो एक बात कि इसका वर्ब का एट्रीब्यूट, अभी ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। कहने का मतलब टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नाउन का फंक्शन कर रही है, ठीक है। इसके बाद इसका ये जो क्रिकेट लिखा हुआ है ना, टू प्ले है, इसका अपना ऑब्जेक्ट भी है ये क्रिकेट, ये खुद ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का और इसका अपना ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो ये अगर खुद ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है और इसका अपना जैसे ही ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी है। तो ये जो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो सेमी वर्ब्स होती हैं। सेमी मतलब हाफ। हाफ तो ये वर्ब होती हैं, इसमें वर्ब के एट्रीब्यूट हैं आधे, और हाफ इनमें कुछ और होता है। वो जो कुछ और होता है वो हम सब सीखेंगे, पर वर्ब के एट्रीब्यूट कैसे हैं वो यहीं समझ लेते हैं। वर्ब का एट्रीब्यूट है कि इसमें इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होता है या वर्ब का होता है, तो ये प्रीपोजिशन तो है नहीं तो ये वर्ब है। कहने का मतलब ये इसमें वर्ब का फंक्शन है, ठीक है। एक बात और, हमने पढ़ा होगा बहुत बार, एडवर्ब जो होते हैं ना वो या तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं या वर्ब को या फिर एडवर्ब को, किसी और एडवर्ब को। हमने यहाँ पे जो लिखा है इन द मॉर्निंग, इन प्रीपोजिशन है, द मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हमने बहुत बार पढ़ा, या तो वर्ब होता है, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। एडजेक्टिव ये है नहीं क्योंकि ये वेन का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब। अब हमें ये देखना है कि ये जो एडवर्ब है किसके लिए यूज हुआ है। इन द मॉर्निंग क्या लाइक के लिए यूज हुआ है कि टू प्ले के लिए यूज हुआ है? एडवर्ब है या तो एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, या एडवर्ब के लिए यूज होता है, या वर्ब के लिए होता है। यहाँ पे दूसरी कोई एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब दो वर्ब इनमें से किसी के लिए यूज हुआ, वो तो वो किसके लिए यूज हुआ है, मेन वर्ब के लिए या नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए? लाइक के लिए तो नहीं यूज हुआ है, इसके यूज हुआ है टू प्ले के लिए, यानी वो मॉर्निंग में खेलना पसंद करते हैं, लाइक नहीं करते। मॉर्निंग में खेलना को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्ले करना पसंद करते हैं सुबह, तो यानी ये एडवर्ब इसके लिए यूज हुई है। तो कहने का मतलब टू प्ले जो है इसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट हैं, इसमें नाउन के भी एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। तो नॉन फाइनाइट वर्ब फिर से बता देता हूँ क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब की वो फॉर्म जो नाउन का भी फंक्शन करे और उसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट हों, ठीक है। वर्ब के एट्रीब्यूट क्या है वो हमने देख ली, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एडवर्ब यूज हुई है। नाउन कैसे ये खुद किसी का ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट भी है। देखो दे जो है ना और यहाँ पे ही है, ये लाइक और टू प्ले दोनों जो है वर्ब हैं, इन दोनों का सब्जेक्ट यही है, तो ये वर्ब है और ये नाउन भी है, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होगी, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी खासी कोशिश की है, ठीक है। अब हम एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब उन सेमी वर्ब्स होती हैं, उनमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट होते हैं, उनमें नाउन के भी एट्रीब्यूट होते हैं। नाउन का एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब का एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि इसका खुद का ऑब्जेक्ट है और इसके लिए एडवर्ब भी यूज हुई है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, तो ये वर्ब भी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो एक तो हमने अभी वो लिखा था, एक होता है जीरंड, जो कि वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और एक होता है पार्टिसिपल। इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जेरंड और जो इन्फिनिटिव होती है जो हम यहां पढ़ेंगे वो एक्ट्स एज ए नाउन, ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, होते हैं इनमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्ट्स एज ए नाउन, यानी नाउन के जो एट्रीब्यूट हैं वो इसमें बेस मेनली वो पढ़ेंगे, होते हैं इनमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स है ना, ये एडजेक्टिव होते हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स, दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे जिरंड होता है वैसे ही होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब कभी भी एडजेक्टिव का फंक्शन करे तब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी कभी नाउन का फंक्शन करे तब हम उसे जिरंड बोलेंगे। इनका ये दोनों थोड़े कंफ्यूज करते हैं क्योंकि देखने में सेम है, फंक्शन अलग अलग है। इनका फंक्शन डिसाइड करता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जिरंड है, वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ लेंगे। पार्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये तीनों ही एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ मतलब उनको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये हो गए इनके टाइप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब, और बहुत कंफ्यूजिंग है, ज़्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आता, पर जिस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ना एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब की फॉर्म होती हैं जिनमें नाउन का भी फंक्शन होता है और वर्ब का भी फंक्शन होता है, नाउन के भी एट्रीब्यूट होते हैं और वर्ब के भी एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो हमने समझ लिया। इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिरंड इन्फिनिटिव दोनों नाउन की तरह बिहेव करती हैं, जब भी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होगी नाउन की तरह बिहेव कर रही होगी तो उनको उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह एक्ट कर रही होगी तो उसको जिरंड बोलेंगे। फिर पार्टिसिपल्स ये तीन टाइप के होते हैं, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही होगी तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कभी भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही होगी तो पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं जीरंड के बारे में, ठीक है। जीरंड एक्ट्स एज ए नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का फंक्शन करे तो उसे हम जीरंड बोलेंगे। देखो इसका एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जांपल, बहुत ज्यादा फेमस हर जगह लिखा होता है, स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर, ठीक है। स्मोकिंग सिगरेट कॉजेज कैंसर। अब देखो यहां पे मेन वर्ब जो हमने यूज किया वो यूज किया कॉज, ये हमारी वर्ब। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ना स्मोकिंग है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, हमने फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्मोकिंग। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो ये है, प्रोनाउन तो है नहीं तो ये है नाउन। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करे जीरंड। और ये स्मोकिंग सिगरेट जो लिखा है ना, सिगरेट है इस स्मोकिंग का अपना ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है तो इसलिए जीरंड।
इसमें इसका अपना ऑब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट हैं ही हैं, क्योंकि तभी तो इसका ऑब्जेक्ट आया हो। तो कहने का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट का बिहेव करे या नाउन की तरह फंक्शन करे या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे तो वो क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग लिखा है वो है हमारा जिरंड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड वेट फॉर वी शुड वेट फॉर मीटिंग द मैनेजर। वी शुड वेट फॉर मीटिंग द मैनेजर। हमने यहाँ पे वेट वर्ब लिखी, उसके बाद लिखी फॉर प्रीपोजिशन। वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो जरूरी नहीं, तो हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट ना है, इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पर प्रीपोजिशन का साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। तो ये मीटिंग जो है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब भी ये ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये नाउन है, नाउन है तो इसका मतलब ये जीरेंड है। ठीक है, वी शुड वेट फॉर मीटिंग द मैनेजर। अब देखो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, ये द मैनेजर लिखा है ना, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट भी है। तो ये जो मीटिंग लिखा हुआ है ये है हमारा जीरेंड। इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड वेट टू मीट द मैनेजर। वी शुड वेट टू मेट मीट द मैनेजर। देखो यहां पे ये जिरंड था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नाउन का फंक्शन। अब देखो टू मीट, वी शुड वेट, वाई भी वी शुड वेट, ये वाई का रिप्लाई है। ठीक है, वाई का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। तो ये जो टू मीट यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो एक बात और ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वो वर्ब का एट्रीब्यूट होता है, उसमें नाउन का होता है, और ये कभी कभी एडवर्ब का भी एट्रीब्यूट शो करती है। तो ये पर्पज़ के लिए यूज हुई है यहाँ पे, वाई पर्पज़ के लिए। तो जब कभी भी हमें पर्पज़ इंट्रोड्यूस करना हो ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब भी हमें पर्पज़ इंट्रोड्यूस करना हो तो हम या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखें जीरेंड, या फिर ये लिखें टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। जब भी टू प्लस बेस फॉर्म लिखेंगे तो ये एडवर्ब का फंक्शन कर रही होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज है। तो ये तो थे इनके मतलब एग्जाम्पल्स की भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। पर अब हम समझते हैं कि हमारे एग्जाम में जो है ना, ऐसे तो है नहीं कि ऐसा लिखा हुआ आएगा, हमारे एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी आते हैं। ठीक है, मेंस में तो ये काफ़ी वेटेज रखता है, तो उसको समझते हैं। देखो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप शेयर जरूर किया करें। हम ना ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर आपने पहले पढ़ा है तब भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर तो क्या ही कहना। देखो जैसे मैंने लिखा, दे डिड नॉट माइंड मी लिविंग अर्ली। दे डिड नॉट माइंड मी लिविंग अर्ली। यहाँ पे हमने लिविंग जो यूज किया है, अब ये हमारी वर्ब लिखी हुई है माइंड, व्हाट दे डिड नॉट माइंड, व्हाट दे डिड नॉट माइंड। यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या है, मुझे माइंड नहीं कर रहे हैं या मेरा अर्ली जाना माइंड नहीं कर रहे हैं? मेरा अर्ली जाना माइंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, लीविंग अर्ली। ठीक है, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे जीरण। फिर से बता देता हूँ, इस माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी या फिर लिविंग, मुझे पसंद मेरे को पसंद माइंड नहीं कर रहे, या फिर मेरा लिविंग अर्ली है उसको माइंड नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स लिविंग अर्ली को माइंड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इस माइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ये लिविंग,
तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे तो नाउन, नाउन इसका मतलब जीरंड। ठीक है, अब देखो अर्ली जो लिखा है ना, ये एडवर्ब है और किसके लिए यूज हुआ है, लिविंग के लिए, तो इसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब देखो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है यहाँ पे, मी जो लिखा है वो क्या है, मी लिविंग या माई लिविंग, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखा है जो कि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे ना जब कभी भी जेरंड से पहले हमें लिखना पड़े तो हमेशा पजेसिव केस लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो माई, इसका पजेसिव केस। ठीक है, माई लिविंग अर्ली, नॉट मी लिविंग अर्ली। तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, जेरंड के साथ हमेशा पजेसिव केस का यूज करना है, प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज करना है जेरंड के साथ। ठीक है, ये इसके ऊपर पजेशन है किसका, अर्ली मेरा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सही दे विल नोट अप्रूव ऑफ हिम मेरिंग हर, दे विल नॉट अप्रूव ऑफ हिम मेरिंग हर। अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, अप्रूव ऑफ का मतलब अपनी सहमति देना। ठीक है, एग्री करना, तो वो क्या अग्री नहीं कर रहे, अब हिम को या फिर मेरिंग को, उसकी शादी को अप्रूव नहीं कर रहे या फिर हिम उसको नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स इसकी शादी को अप्रूव नहीं कर रहे, इसका मतलब इस वर्ब का, ये जो फ्रेजल वर्ब लिखी है इसका ऑब्जेक्ट है ये मेरिंग। ठीक है, तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और फंक्शन जीरेंड, अब जीरेंड से पहले हमने हिम लिख दिया, ठीक है, हिम है ऑब्जेक्टिव केस, हमने अभी भी पढ़ा कि जीरेंड के साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं पजेसिव केस, ही इज मेरी। ठीक है, तो यहां पे आएगा हिज, तो एक छोटी सी बात को ये लिख भी सकते हैं, यूज पजेसिव केसेस विद जीरेंड। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, जब भी वर्ब की बेस फॉर्म आई एन जी फॉर्म नाउन का फंक्शन करे उसे जीरेंड बोलते हैं, और उसके साथ हमेशा पजेसिव केस यूज करना है। और ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज करेगा, यहीं लिख देता हूँ मैं, ही शो देर डांसिंग ऑन द स्टेज, ही शो देर डांसिंग ऑन द स्टेज। अब एक बात ध्यान रखना, मैं तुमसे बोलूं कि मैंने डांस करते हुए एक लड़के को देखा, तो मैंने क्या देखा, लड़का देखा या डांस देखा? डांस एक एक्शन है जिसको हम नहीं देख सकते, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, हमने तो देखा लड़के को ही ना। तो जब भी ये ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो शो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, उसकी डांसिंग देखी उसने या उस लड़के को देखा या उनको देखा, यहाँ पे लिखा हो देर, तो दे उनको देखा या फिर उनकी डांसिंग को देखा, उनको देखा। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि मैंने उसको स्विमिंग करते हुए देखा, तो मैंने किसको देखा, स्विमिंग को या उस लड़के को, तो हमेशा आपका जवाब ये होना चाहिए कि स्विमिंग को देखा नहीं जाता, हम उस एक्शन को नहीं देख रहे, हम उस पर्सन को देख रहे हैं जो कि स्विम कर रहा है, स्विम वो जो पर्सन है वो परफॉर्म कर रहा है, बट हम किसको देख रहे हैं, हम उस पर्सन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ये है, ये डांसिंग जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना कि मेरिंग अप्रूव किसको नहीं कर रहे, मेरिंग को नहीं कर रहे, बिल्कुल सही, पर देखा किसको जाता है, हमेशा उस पर्सन को देखा जाता है ना कि उस एक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देर लिख दिया ना ये गलत लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखो देम, ही शो देम डांसिंग। अब ये जो डांसिंग है ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो ये यहाँ पे है एडजेक्टिव,
उनको देखा वो क्या कर रहे थे, ये उन इस इसको डिस्क्राइब कर रहा है देम को, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का फंक्शन जीरेंट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें और ये काफ़ी कन्फ्यूज करता है। इसके ऊपर हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में और एग्जाम्पल भी लेंगे, अभी के लिए मेरे को लग रहा है काफ़ी है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो देर है ना, डांसिंग को नहीं देखा जाता, ठीक है, मैरिंग को भी नहीं देखा, वो जो मैरी कर रहे हैं ना उन पर्सन को देखा जा रहा है। पर यहाँ पे जो वर्ब है ना वो अप्रूव यूज हुए, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। पर यहाँ पे अगर सो लिखा होता तो शादी को थोड़ी देख रहे हैं हम, क्या हम शादी को देखते हैं क्या? नहीं, शादी में जो लोग आए हैं, जो सेटअप लगा है, जो स्टेज लगा है या जो भी दिख रहा है, वो चीज़ें हैं, शादी थोड़ी देख रहे हैं। ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, हम उन पर्सन्स को देख रहे हैं जो शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उन लोगों को देखा ना कि उनकी डांसिंग को, डांसिंग तो एक एक्शन है। तो उम्मीद है ये बातें समझ आई होगी, हमारा आज की शुरुआत ही थी ये नॉन फाइनाइट वर्ब की। काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनते जाएं और पूरी वीडियो को देखा करें, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। एक बार हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप देखना कि नॉन फाइनाइट आपको कभी दिक्कत करेगा ही नहीं, हमेशा के लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।